कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का आपके यहाँ पर रुक जाने के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जीव विज्ञान पेपर अपलोड कराइए, तो फाइनली आपके यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर आ चुका। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराएंगे, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, ठीक है। पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, साथ ही आप यहाँ पर इस पे को याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पर जीव विज्ञान पे अच्छे मार्क्स लाओगे, साथ ही आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देते हैं हायर सेकेंडरी परीक्षा जून 2023 विषय जीव विज्ञान सब्जेक्ट बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश भाषा दोनों आपका यहाँ पेपर रहेगा, पूरा अंक आपका 70 रहेगा। और ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए समय आपका 3 घंटे का रहने वाला, साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी दे सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर जीव विज्ञान पे वो देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बड़ी वैसे आपके लिए यहाँ पर जीव विज्ञान पे लेके आ चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर पेपर वो देख लेते हैं, तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर जूम करके दिखा दीजिए जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर पहले तो आपके यहाँ पर सही पेपर चुनकर लिखिए, आपके 7 नंबर के आएंगे। तो आपको यहाँ पर वीडियो को अच्छे से देखना साथ ही सुनना, जिससे पूरा ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेना है। तो पहला आता है बीज का परिवर्तन होता है, तो जो यहाँ पर बीज का परिवर्तन होता है वो होता है बीजांड से, ठीक है। पहले का आपका करेक्ट आंसर हो जाए तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपका दूसरा आता है इग्नज होता है, तो यहाँ पर जो इग्नज होता है वो होता है द्विगुणित, ठीक है। तो आपका यहाँ पर दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है ध्रुवीय काय का निर्माण होता है, तो जो यहाँ पर ध्रुवीय काय का निर्माण होता है वो होता है अंडजन से, ठीक है। आपका तीसरे का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है मनुष्य में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या होती है, तो आपका इसका यहाँ पर 3, ठीक है। जो मनुष्य में यहाँ पर भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या होती है वो 3 होती है, तो आपका चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता है जन्मदाता मृत्यु दर का अनुपात कहलाता है, तो इसका आंसर आएगा आपका बा जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। आपके यहाँ पर चौथा आता आपका छठवां आता धसे हुए रंध पाए जाते हैं, तो आपका जो इसका आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर मरुद्भिद पौधों में, ठीक है। आपका छठवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं सातवां, तो सातवां आता टीके की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा एडवर्ड जेनर। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं यहाँ पर 7 नंबर की सही विकल्प कंप्लीट, साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी, इनकी स्क्रीनशॉट भी ले ली होंगी, ठीक है। अब चलिए जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपके यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा और तीसरे का आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट बता रहे हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ध्यान से देखिए। और चौथे का आपके यहाँ पर बी करेक्ट आंसर रहेगा और पाँचवें का आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर रहेगा और छठवें का आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। और जो सातवां आपका आता है सातवें का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हो जाते हैं यहाँ पर सही विकल्प कम्प्लीट, जो 7 नंबर के थे। और आपके यहाँ पर किसान आता है यहाँ पर सत्यफल का, आप यहाँ पर सत्यफल का परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर आएगा आपका यहाँ पर केवल अंडाशय, ठीक है। आपको यहाँ पर लिख देना है, इसका आंसर आपका रहेगा केवल अंडाशय से, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहले रेगिस्तान का, तो अच्छे से याद कर लीजिए। आप यहाँ पर सत्यफल का परिवर्तन केवल अंडाशय से होता है, ये आपका पहले का यहाँ पर रेगिस्तान हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान देख लेते हैं, तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान आता है वैज्ञानिक मेंडल ने वंशगति को दोनों नियम प्रतिपादित किए थे, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर 7, ठीक है। यहाँ पर वैज्ञानिक मेंडल ने यहाँ वंशगति के 7 नियम प्रतिपादित किए थे। फिर आपका दूसरा आता है तीसरा, एक ही क्रोमोसोम में पाए जाने वाले जीन एक डोनर समूह बनाते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका सहलग्न, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सहलग्न, ये आपके यहाँ पर तीसरे रेगिस्तान का आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है AIDS डोनर संचारित रोग है, तो इसका आंसर रहेगा आपका एवन, ठीक है, एवन संचारित रोग है। आप यहाँ पर स्टूडेंट देख लीजिए AIDS एवन संचारित रोग है। फिर आपका यहाँ पर आता है DNA के एक चक्र में डॉट न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा 7, ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर आपका छठवां आता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डॉट होता है, तो इसमें आपको यहाँ पर कर देना सीधा, ठीक है। और फिर आपके यहाँ पर आता है सातवां मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका मानव, ठीक है, इसका आंसर आपका क्या रहेगा मानव सांख्यिकी, ये आपके यहाँ पर रहेगा इसका आंसर, ठीक है, मानव सांख्यिकी, ये आपके यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरे रेगिस्तान आपका 7 रहेगा और तीसरे में आपका सहलग्न, चौथे में आपका यौन रहेगा, पाँचवें में आपका 7 और छठवें में आपका सीधा हो जाएगा और सातवें में आपको मानव सांख्यिकी। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं यहाँ पर 7 नंबर के आपके रेगिस्तान कंप्लीट। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लीजिए और पहला आपका स्टार्ट दिया जाए वो आपने देख लिया होगा।
और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, ठीक है। जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट को बताया, तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको याद कर लेना, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आती हैं सेवन सात नंबर की आती हैं, तो पहले आती है आपकी लीडिंग कोशिकाएँ। तो लीडिंग कोशिकाओं को मैच करना आपको यहाँ पर टेस्टो स्टीरॉन्स हैं, जो आपकी आती टेस्ट वेबी, तो इसे आपको IBF से मैच कर दें। दूसरी और जो आती थी समझात अंग, तो इसे मैच करना आपको यहाँ भिन्न भिन्न अद्भाव एवं सामान्य कारक से, ठीक है। तीसरी आपकी रहेगी। जो चौथी आती है इंटरफेरन, तो इंटरफेरन को आपको यहाँ पर विषाणुरोधी प्रोटीन से मैच कर देनी है। और जो आपकी पाँचवीं आती है बायोगैस, बायोगैस को आपको मीथेन से मैच करना है। और जो आपकी आती है छवीं एंटीबायोटिक्स, तो इसे आपको एस बॉक्समैन से मैच कर देनी है छवीं। जो आपकी सातवीं आती है स्पायरोगायरा, तो इसे मैच कर दीजिए आप पादा पेलवाक से। इस तरह से आपकी यहाँ पर हो जाती है सही उड़ी कंप्लीट। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट, तो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए। जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया, आपको उस तरह से यहाँ पर सही उड़ी मैच कर लेनी है। अब चलिए आपके यहाँ पर एक सतबाग में उत्तर आते हैं, जो कि सात नंबर के आते हैं। तो पहला आता है एंडोसीथियम किसमें सहायक होती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर पराग कोष, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पराग कोष स्पुटन में, ठीक है, ये आपके यहाँ पर रहेगा आंसर। ये आपका पहले के यहाँ पर आंसर हो जाता है, तो आप यहाँ पे एंडोसीथियम पराग कोष स्पुटन में सहायक होती है। और फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर वाई, ठीक है, वाई क्रोमोसोम। ये आपका यहाँ पर रहेगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका दूसरे का आंसर हो जाता है। फिर आपका तीसरा था PCR का पूरा नाम लिखिए, तो इसका आंसर आपका रहेगा पॉलीमरेज, ठीक है। आप यहाँ पर स्टूडेंट देख लीजिए आपका जो यहाँ पर PCR का पूरा नाम लिखना है, तो इसका आंसर रहेगा पॉलीमरेज श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला अभिक्रिया। ये आपका यहाँ पर रहेगा इसका PCR का पूरा नाम। आप यहाँ पर पॉलीमरेज का पूरा नाम लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका, सॉरी PCR का पूरा नाम लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। और फिर चौथा आता है लैक्टिक अम्ल के निर्माण में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर आएगा लैक्टोबैसिलस, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए लैक्टोबैसिलस, ये आपके यहाँ पर रहेगा आंसर। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर बताइए लैक्टिक अम्ल के निर्माण में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा लैक्टोबैसिलस। फिर आपका चौ पाँचवा आता है पारिस्थितिक तंत्र की मूल इकाई का नाम लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा जैविक व अजैविक घटक, ठीक है, जैविक व अजैविक घटक, ये आपका यहाँ पर रहेगा इसका आंसर। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह देख लीजिए, साथ ही आपको इनको याद करना, तभी आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर आते हैं जैविक व अजैविक घटक, ये आपके यहाँ पर पाँचवीं का आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर छठवां आता है IOD का पूरा नाम लिखिए, तो इसका आंसर आएगा आपका अंतः गर्भाशय, ठीक है, अंतः गर्भाशय वीर्यसेचन, ये आपके यहाँ पर रहेगा इसका आंसर। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए किस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है IOD का पूर्ण नाम अंतः गर्भाशय वीर्यसेचन। फिर आपको सातवां आता रोग का जन्म सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका आंसर रहेगा आपका रॉबर्ट कोच, ये आपके यहाँ पर हो जाता है। सात नंबर के आपके यहाँ पर एक साथ बात में होता हो जाते हैं, जल्दी से आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हमने बेस्ट सॉल्यूशन सहित आपकी पूरी अपडेट करा दी है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, आपके यहाँ पर छठवां दिया गया, ठीक है। और सातवां आप यहाँ पर देखते हैं, आपको सातवां यहाँ पर, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते प्रश्न पाँचवा, टेपिटम की कोई दुमात लिखिए, इसका अर्थ होता असंज्ञान को परिभाषित कीजिए। जल्दी से आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी साथ ही इनके आंसर भी हम बताएंगे आपको, वीडियो पूरे देखना, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। छठवां क्वेश्चन आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको पढ़ के नहीं दिखाएंगे। सातवां क्वेश्चन का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरी क्वेश्चन आपको याद करना है, तभी आप यहाँ पूरी मार्क्स ला पाएंगे। और आठवां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। और नौवां क्वेश्चन जल्दी से आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इन क्वेश्चन को आपको याद करना है। फिर आपका दसवां क्वेश्चन आता है औषधि व्यसन क्या, इसके क्या कारण होते हैं, ठीक है। आपको दो दो नंबर क्वेश्चन हो रहे हैं। अब चलिए दसवीं का आंसर देख लेते हैं, तो दसवीं का आपका आंसर था जन्मजात एवं आर्जित प्रतिरोध में द्वांतर लिखिए। फिर आपका ग्यारहवां क्वेश्चन आता है DNA पुनर्संयोजन तकनीक क्या है, इसका आंसर आता है जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। फिर आपका बारहवां क्वेश्चन आता है जो कि दो नंबर का रहेगा, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तेरहवां क्वेश्चन आपका तीन नंबर का रहेगा, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए और इसके अथवा भी देख लीजिए। फिर चौदहवां क्वेश्चन आता है
चलो क्वेश्चन देख लीजिए, इसका हाथों देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आपको ले चलना, सभी क्वेश्चन आपको याद करना अगर आप यहाँ पूरी पूरी मार्क्स लेना चाहते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन आता है निम्न की एक एक कार लिखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर tRNA, mRNA और rRNA की आपको एक एक कार लिखना है। फिर आपके यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता में तीन अंतर लिखना है, या फिर 3 वर्ग रहेगा। अब चलिए आपको 16वीं का अथवा देख लेते हैं। आपने स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। 16वीं का आपका अथवा आता है खास श्रृंखला एवं खास जल में तीन अंतर बताइए। फिर आपका 17वां आता है DNA तथा RNA में कोई 4 अंतर लिखिए, 4 नंबर का रहेगा। इसका अथवा आता है मनुष्य में लिंग की क्रिया को समझाइए। फिर 18वां क्वेश्चन आता है पुनर्संयोजन DNA तकनीक की महत्व एवं उपयोग की लिखिए। इसका अथवा आता है एंटरप्रेन्योर क्या, इनके 3 प्रकार लिखिए। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है पोषण इस तरह क्या समझाइए, अथवा आता सामाजिक वानिकी की 5 उद्देश्य लिखिए। तो फाइनली इस तरह से पूरा पेपर आपका हो जाता है जीव विज्ञान का। साथ ही स्टूडेंट हमने जो पेपर कराया इस पेपर पूरा आपको सोल्यूशन मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही आपको इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आप पूरी मार्क्स लाएंगे। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।